हेलो दोस्तों, फिल्मी रिव्यू चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्पाई किड्स। हम बात करेंगे कि यह फिल्म क्या है, इस फिल्म के बारे में सभी रोचक तथ्य। हम आपको इस फिल्म का डिटेल्ड रिव्यू देने जा रहे हैं। हम टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन फिल्मांकन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और बॉक्स ऑफिस के बारे में भी बात करेंगे। इस फिल्म की कहानी के बारे में भी बात करेंगे। आपको इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी देंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इस फिल्म के तथ्य, कहानी, स्टार कास्ट, फिल्म में अभिनेता का प्रदर्शन और किस किरदार ने कौन सी भूमिका निभाई है। इसीलिए मैं आप दोस्तों से अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पाई किड्स 2001 की अमेरिकी जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका सह निर्माण, लेखन, संपादन, सह संगीत और निर्देशन रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने किया है। फिल्म में एलेक्सा वेगा, डेरिल सबारा, डैनी ट्रेजो, एंटोनियो बैंडेरस, कार्ला गुगिनो, एलन कमिंग, टेरी हैचर, चीच मारिन, रॉबर्ट पैट्रिक और टोनी शालहोप ने अभिनय किया है। स्पाई किड्स का प्रीमियर 18 मार्च 2001 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिज्नी के कैलिफोर्निया एडवेंचर में हुआ और 30 मार्च को डायमेंशन फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $35 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 147 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को 28वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग से हार गई। स्पाई किड्स की सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसके 4 सीक्वल रिलीज हुए, स्पाई किड्स 2, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स 2002 में, स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर 2003 में और स्पाई किड्स ऑनल्ड टाइम इन द वर्ल्ड 2011 में। एक पुनर्कल्पित स्पाई किड्स आर्मगेडन 2030 में रिलीज किया गया। कथानक, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज दो बच्चों कार्मेन और जूनी के साथ जासूस हैं, जिन्हें वे अपने जीवन से बचाते हैं ताकि उन्हें अंतर्निहित खतरे से बचाया जा सके। वे सुपर जासूसों के संगठन ओएसएस के लिए कार्यालय सलाहकार का काम करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लापता एजेंटों को खोजने के लिए सक्रिय क्षेत्र कार्य पर वापस बुलाया जाता है। ग्रेगोरियो को संदेह है कि बच्चों के टेलीविजन होस्ट फेगन फ्लूप ने उन्हें अगवा कर लिया है, उन्हें अपने शो में फूगलीज में बदल दिया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे जूनी उत्सुकता से देखती है। बच्चों को उनके चाचा फेलिक्स गम की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। ग्रेगोरियो और इंग्रिड को फलूप के थम थम्स, रोबोट जिनके हाथ पैर और सिर बड़े आकार के अंगूठे जैसे लगते हैं, द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके महल में ले जाया जाता है। माता पिता के पकड़े जाने पर फेलिक्स सतर्क हो जाता है, फेल सेफ को सक्रिय करता है और बच्चों को उनके माता पिता के बारे में सच्चाई बताता है और यह कि वह उनका चाचा नहीं है, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया एक एजेंट है। घर पर निंजा थम्स द्वारा हमला किया जाता है और फेलिक्स को पकड़ लिया जाता है, जबकि बच्चे एक छोटी पनडुब्बी के माध्यम से अकेले भाग जाते हैं, जो ऑटोपायलट पर सेट होती है और एक सुरक्षित घर में पहुंच जाती है। सुरक्षित घर में बच्चे स्वीकार करते हैं कि उनके माता पिता जासूस थे और उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। फलूप के महल के अंदर वह अपनी नवीनतम रचना छोटे बच्चों के आकार के रोबोट
श्री लिस्प को पेश करता है। वे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व नेताओं के बच्चों को इन सुपर मजबूत रोबोटों से बदलने की योजना बनाते हैं। लेकिन चूंकि एंड्रॉइड में अभी तक कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए वे अपने नियमित प्रोग्रामिंग के बाहर काम करने में असमर्थ हैं। लिस्प क्रोधित है, उपयोग करने योग्य एंड्रॉइड की मांग करता है। फलूप अपने दूसरे इन कमांड अलेक्जेंडर मिनियन के साथ ग्रेगोरियो और इंग्रिड से थर्ड ब्रेन के बारे में पूछताछ करता है। इंग्रिड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ग्रेगोरियो का दावा है कि उसने सालों पहले मस्तिष्क को नष्ट कर दिया था। फ्लूप के जाने के बाद ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि थर्ड ब्रेन एक गुप्त ओएसएस प्रोजेक्ट था जिस पर उसने काम किया था, एक एआई ब्रेन जिसमें पूरे ओएसएस के सभी कौशल हैं। इस प्रोजेक्ट को बहुत खतरनाक होने के कारण रद्द कर दिया गया और कई वैज्ञानिकों ने उन दिमागों को नष्ट कर दिया जिन पर वे काम कर रहे थे, लेकिन ग्रेगोरियो ने अंतिम प्रोटोटाइप को नष्ट करने से इनकार कर दिया। सुरक्षित घर में कारमेन और जूनी से ओएसएस एजेंट सुश्री ग्रेडिंग को मिलने आती हैं। कारमेन को विश्वास के प्रतीक के रूप में एक ब्रेसलेट देते हुए वह थर्ड ब्रेन के बारे में पूछती है, लेकिन कारमेन भ्रमित हो जाती है। ग्रेडिंग को घर को ध्वस्त करने का आदेश देता है और भाई बहनों को एहसास होता है कि ग्रेडिंग को एक गद्दार है, जब वे निंजा थम्ब-थम्स को भागने वाली पनडुब्बी को नष्ट करते हुए देखते हैं। ग्रेडेंको के इरादों का पता चलने पर जूनी गलती से थर्ड ब्रेन को उजागर कर देती है और पीछा शुरू हो जाता है। कारमेन को ब्रेन मिल जाता है और वह और जूनी भाग जाती है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि ग्रेडेंको के ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है और वह और जूनी पर उनके रोबोट समकक्षों द्वारा हमला किया जाता है, जो थर्ड ब्रेन चुरा लेते हैं और उड़ जाते हैं। इस बीच महल में वापस ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि मिनियन ओएसएस के लिए काम करता था, लेकिन थर्ड ब्रेन प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ फलॉप अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों के शो को जारी रखना चाहता है। मिनियन की अलग अलग योजनाएं हैं और वह फलॉप को अपने वर्चुअल रूम के अंदर बंद करके उस कक्ष में ले जाता है जहां वह अपनी टेलीविजन सीरीज फिल्माता है। जब कारमेन और जूनी ग्रेगोरियो के अलग हुए, भाई इसाडोर मैचेटे कॉर्टेज उसकी जासूसी दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें उससे अनिच्छुक मदद मिलती है। वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए वे कुछ गियर चुराते हैं और फ्लोप के महल में उड़ान भरने के लिए उसका जासूसी जेट लेते हैं। कुछ दुर्घटनाओं के बाद कारमेन और जूनी महल में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान से बाहर निकल जाते हैं और वे पानी के नीचे के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। जब बच्चे महल में घुसपैठ करते हैं, जूनी फ्लूप को बचाती है, जो उसे और कारमेन को उनके माता पिता को रिहा करने में मदद करता है। साथ में वे मिनियन को फ्लूप की फूगली मशीन में फंसाते हैं और उसे फूगली में बदल देते हैं। लिस्प और ग्रेडिंको का सामना करते हुए परिवार सभी 500 रोबोट बच्चों से घिर जाता है। अचानक मैचे खिड़की से घुस आता है, ग्रेगोरियो के साथ सुलह कर लेता है और परिवार के साथ लड़ने में शामिल हो जाता है। हालांकि आखिरी क्षण में फ्लूप रोबोट को पक्ष बदलने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। 500 अलौकिक रोबोट जल्दी से मिनियन, लिस्प और ग्रेडिंको पर हावी हो जाते हैं। जूनी की सलाह से फ्लूप अपने शो में कारमेन और जूनी के रोबोट संस्करणों को पेश करता है। घर पर कुछ समय बाद कास्ट एलेक्सा वेगा, कारमापका काराडारा एनास्टीका, कारमेन कॉर्टेज, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज की बेटी। वेगा ने कारमेन की रोबोट समकक्ष कारमेनिटा का भी किरदार निभाया है। एडिसन फेयर शिशु कारमेन कॉर्टेज के रूप में, डेरिल सबारा जूनी कॉर्टेज कारमेन के छोटे भाई और ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज के बेटे। डेरिल ने जूनी के रोबोट समकक्ष
जूनिटो का भी किरदार निभाया है। डैनी ट्रेजो, इसिडोर माचेटे, कॉर्टेज, एक गैजेट आविष्कारक, जूनी और कार्मेन के चाचा और ग्रेगोरियो के बिछड़े हुए भाई। एंटोनियो बैंडरस, ग्रेगोरियो कॉर्टेज, सेवानिवृत्त ओ एस एस एजेंट, जो सलाहकार कर्मचारी बन गया तथा जूनी और कार्मेन का पिता बन गया। कार्ला गुगिनो, इंग्रिड कॉर्टेज, सेवानिवृत्त ओ एस एस एजेंट, जो सलाहकार कार्यकर्ता बन गई। ग्रेगोरियो की पत्नी, जूनी और कार्मेन की माँ। एलन कमिंग, फेगन फ्लूप, फ्लूप्स फुगलीज के मेजबान। टेरी हैचर, सुश्री ग्रेडेंको, एक पूर्व ओ एस एस एजेंट, जो अब मिस्टर लिस्प और मिनियन की सहयोगी बन गई है। चीच मारिन, फेलिक्स गम, एक ओ एस एस एजेंट, जो कार्मेन और जूनी के चाचा होने का ढोंग करता है। रॉबर्ट पैट्रिक, मिस्टर लिस्प, एक व्यवसायी। टोनी शालहॉब, अलेक्जेंडर मिनियन, फ्लूप के सहायक। इसके अतिरिक्त माइक जज ने डोनागन गिगल्स का किरदार निभाया है। जॉर्ज क्लूनी ने डेवलिन का किरदार निभाया है। कारा स्लैक ने कार्मेन की दोस्त लेटिसिया का किरदार निभाया है। इवान सबारा ने घुसपैठिए जासूस बच्चे का किरदार निभाया है। एंजेला लांजा ने न्यूज़कास्टर का किरदार निभाया है। रिचर्ड लिंकलेटर ने कूल जासूस का किरदार निभाया है। जॉनी रेनो ने एजेंट जॉनी का किरदार निभाया है। गिलर्मो नवारो ने पादरी का किरदार निभाया है और चार्ल्स क्रॉकर ने थंब पीपल का किरदार निभाया है। रॉबर्ट रॉड्रिग्स का पहला परिवार उन्मुख उत्पादन लघु फिल्म बेडहेड 1991 था। एक साल बाद एल मारियाची 1992 की रिलीज के बाद से वह उसी प्रकार की पूर्ण लंबाई वाली पारिवारिक सुविधाएं बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था। वह एक ऐसा उत्पाद चाहते थे जो ऐसा लगे कि इसे एक बच्चे ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। उस प्रकार की फिल्म के लिए उनकी शुरुआती योजना थी कि बच्चों को शुरू में पता न चले कि उनके माता पिता जासूस हैं, जब तक कि उन्हें अपने पकड़े गए माता पिता को बचाना न पड़े। और विली वोंका की किशोर कल्पनाशीलता के साथ एक प्रतिपक्षी, उन्होंने खलनायकों की कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया कि जो आदमी पहले मुख्य खलनायक लगता है वह नायक में बदल जाता है और उसका हास्यपूर्ण सहायक मुख्य खलनायक बन जाता है। टोनी शालहॉब रॉबर्ट रॉड्रिग्स के प्रशंसक और दो बच्चों के पिता के रूप में इस परियोजना में शामिल हुए जो बच्चों की फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह रॉड्रिग्स और उनकी पत्नी एलिजाबेथ एवेलान से मिले और अभिनेता को फिल्म की शैली का अंदाजा लगाने के लिए डिजाइन और एनिमेशन के कॉन्सेप्ट ड्राइंग दिखाए गए। अभिनय करते समय शालहॉब को किताबें पढ़ने और अपने बच्चों के साथ खेलने के अनुभव ने उन्हें रॉड्रिग्स के बच्चों जैसे परिदृश्यों को अपने बच्चों के दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाया। एलिजाबेथ ऑल्सन ने एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मशीनों द्वारा उत्परिवर्तित किए जाने पर अलेक्जेंडर मिनियन से निकलने वाले विकृत सिर को रॉड्रिग्स द्वारा जेल मोल्ड किया गया था और शालहॉब के अनुसार बहुत हल्के थे। स्पाई किड्स के 48 दिनों के अधिकांश फिल्मांकन ऑस्टिन, टेक्सास में हुए, हालांकि कुछ बाहरी दृश्य दक्षिण अमेरिका में किए गए थे। संगीत, फिल्म का स्कोर जॉन डेबनी और डैनी एल्फमैन द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिग्स और मार्सेल रॉड्रिग्स सहित कई अन्य लोगों का योगदान है। एल्फमैन के योगदानों में फ्लॉप सॉन्ग क्रूएल वर्ल्ड शामिल है जिसे कमिंग ने गाया है। लॉस लोबोस ने टिटो पुएंते के गीत ओए कोमो वा अनायोगो डेविड गार्जा और रॉबर्ट रॉड्रिग्स द्वारा ओए कोमो स्पाई के रूप में रूपांतरित को कवर किया है। इस गीत को 2002 के एल्मा अवार्ड्स में मोशन पिक्चर साउंडट्रैक में उत्कृष्ट गीत के लिए नामांकित किया गया था। समापन थीम स्पाई किड्स
सेव द वर्ल्ड लॉस एंजल्स इंडी पॉप बैंड फोंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। विपणन मार्च 2001 में स्पाई किड्स को लास वेगास के शो वेस्ट में प्रदर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। स्पाई किड्स पहली फिल्म थी जिसे जून 2001 में मीरामैक्स और पॉप सीक्रेट के बीच 2 साल के सौदे के तहत प्रमोट किया गया था। स्पाई किड्स और ब्रिजिट जोन्स डायरी 2001 की सफलताओं की बदौलत यह सौदा सालाना आधार पर शुरू हुआ और 5 फिल्मों के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न थिएटर स्क्रीनिंग और वीडियो रिलीज के लिए टाई इन के रूप में मौजूद रहेगा। स्पाई किड्स के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न अगस्त में फिर से रिलीज के लिए सिनेमा घरों में था, जबकि होम वीडियो पर पॉप सीक्रेट स्पेशल एडिशन जारी किए गए थे जो पुरस्कार जीतने के लिए संग्रहणीय वस्तुओं और टिकटों के साथ आए थे। टारगेट ने स्पाई किड्स की प्रतियों के खरीदारों को मुफ्त पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न की पेशकश भी की। मीरा मैक्स के पूर्व प्रमोशन कार्यकारी उपाध्यक्ष लोरी सेल ने स्वीकार किया कि पहले 3 स्पाई किड्स के लिए मैकडॉनल्ड्स टाइंस कंपनी के 3 सर्वश्रेष्ठ थे। विस्तारित संस्करण हटाए गए दृश्य के साथ एक विशेष संस्करण 8 अगस्त 2001 को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। यह कथित तौर पर 3 अन्य फिल्मों के साथ कनाडा में सीमित समय के लिए विशेष रूप से चिह्नित केलोग बॉक्स में भी जारी किया गया था। विशेष संस्करण को डीवीडी पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि निर्देशक की टिप्पणी और साक्षात्कार पहले से ही इसके लिए रिकॉर्ड किए गए थे, हालांकि वह संस्करण फिल्म के ब्लूरे री रिलीज पर उपलब्ध है, जिसे 2 अगस्त 2011 को श्रृंखला की 10वीं वर्षगांठ और 4थी फिल्म के साथ मेल खाने के लिए रिलीज किया गया था। हालांकि टिप्पणी और बाकी हटाए गए दृश्य शामिल नहीं थे। स्वागत बॉक्स ऑफिस स्पाई किड्स 30 मार्च 2001 को 3,104 स्थानों पर सिनेमाघरों में खुली, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में $26.5 मिलियन की कमाई की और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। ब्रिजिट जोन्स की डायरी की दूसरे सप्ताहांत की कमाई से गिरने से पहले इसने 3 हफ्तों तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा किया, जिसे मीरा मैक्स द्वारा भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $112.7 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $35.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई हुई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज पर स्पाई किड्स को 181 समीक्षाओं के आधार पर पिनांडी फसर की स्वीकृति रेटिंग और 7.3/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एक गतिशील और मजेदार फिल्म जो निश्चित रूप से सभी उम्र के बच्चों को रोमांचित करेगी। मेटाक्रिटिक पर सक्रिय आलोचकों के आधार पर इसका भारत औसत स्कोर हनोंडी कहा अनोमलोट में से 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक खजाना कहा। उन्होंने लिखा, स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत दुर्लभ हैं। परिवारों को अक्सर सी स्पॉटरन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान उत्साहित खुशनुमा फिल्म है जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिकला सेल ने लिखा, यह मनोरंजक और आपत्तिजनक नहीं है। बच्चों की फिल्मों में एक दुर्लभ संयोजन जो आमतौर पर दोनों में से कोई भी नहीं होता है। वैरायटी के लिए लोवेनस्टीन ने कहा, एक पूर्ण विकसित फंतासी एक्शन एडवेंचर जो परिवार के महत्व को भी जोरदार तरीके से रेखांकित करता है, स्पाई किड्स
अंडर 12 जनसांख्यिकी में किसी को भी कैद नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, एक लक्ष्य जो कभी कभी चकाचौंध से हासिल होता है। रॉबर्ट रॉड्रिग्स की फिल्म जिसमें दो बच्चे दुनिया को एक पागल प्रतिभा से बचाने के लिए असली जासूस बन जाते हैं। बच्चों की सशक्तिकरण कल्पनाओं को पूरा करती है और वीडियो गेम पर पले बढ़े लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जादू और कूल एफ एक्स पेश करती है। स्पाइक किड्स अपने आविष्कार की खुशी से गदगद है। यह एक शानदार रंगीन असाधारण फिल्म है जिसमें पूरी तरह से मौलिक सेट और दृश्य नौटंकी है और यह बच्चों की फिल्म श्रेणी से बाहर निकलकर मुख्य धारा में आने के लिए काफी स्मार्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखक और निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिगेज इस चीज का सपना देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि उनकी विजुअल इफेक्ट्स टीम ने इसे इतनी शानदार तरीके से फिल्म में पेश किया। फिल्म की शुरुआत एंटोनियो बैंडरस और कार्ला गुगिनो द्वारा ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेस के रूप में की जाती है, जो जासूस हैं, जो कभी दुश्मन थे लेकिन फिर प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके दो अच्छे बच्चे होते हैं, कार्मेन, एलेक्सा वेगा और जूनी डेरिल सबारा। वे जासूसी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन फिर मिनियन टोनी शालूब नामक एक दुष्ट नौकर माता पिता का अपहरण कर लेता है और उन्हें बचाने और दुनिया को रोबोट बच्चों और थंब मॉन्स्टर्स के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी जासूस बच्चों पर आती है। मिनियन शैतानी फेगन फलाउ एलन कमिंग के लिए काम करता है जिसका काम एक किडी शो होस्ट के रूप में दुनिया पर राज करने की उसकी योजना को छुपाना है। समुद्र के किनारे एक काल्पनिक महल में स्थित उसके ऑपरेशन में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो सचमुच अंगूठे हैं, सिर हाथ और पैर के लिए अंगूठे। फलूप शक्तिशाली लोगों के बच्चों की हूबहू रोबोटिक प्रतियां बनाने के लिए क्लोनिंग ऑपरेशन चलाता है। वे एक डरावनी चमक वाली आंखों को छोड़कर मूल की तरह दिखते हैं। उनकी समस्या दिमाग तेज नहीं है। फलूप का जवाब तीसरा दिमाग, जिसे ग्रेगोरियो कॉर्टेज ने जासूसी सेवा छोड़ते समय गुप्त रूप से अपने साथ ले लिया था। मुझे पता है कि यह 8 साल के बच्चों के लिए एक कथानक की तरह लगता है लेकिन रॉड्रिगेज इस विषय पर इस तरह से हमला करता है जैसे कि वह इंडियाना जोन्स को पानी से उड़ा देना चाहता हो और यह फिल्म एक के बाद एक अपमानजनक आविष्कार है। मेरा मानना है कि एक पारिवारिक फिल्म विफल हो जाती है यदि यह माता पिता का मनोरंजन नहीं करती है क्योंकि उन्हें ही टिकट खरीदना पड़ता है। स्पाई किड्स इतनी अंतहीन कल्पनाशील, इतनी उत्साही, अपनी प्रेरणाओं के साथ इतनी असाधारण मजाकिया संवादों से भरी हुई है कि जितनी अधिक आप फिल्मों को पसंद करते हैं उतनी ही अधिक आपको यह फिल्म पसंद आ सकती है। कथानक, अपहरण के बाद बच्चों को अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी है। उनके चाचा फेलिक्स चीच मारिन की थोड़ी मदद और सुश्री ग्रेडेंको टेरी हैचर के मार्गदर्शन के साथ, जो पुराने जासूसी दिनों से उनकी माँ की दोस्त होने का दावा करती हैं। बच्चे एक गुप्त सुरक्षित घर में चले गए हैं जो बाहर की तुलना में अंदर से बहुत अलग है और वे सभी प्रकार की जासूसी चालों का उपयोग करते हैं। कुछ वे समझते हैं, कुछ वे नहीं समझते। जो बात अच्छी है वह यह है कि बच्चे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वे अपने काम को गंभीरता से करते हैं और इस तरह छोटे जूनी को वह आत्मविश्वास मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है। स्कूल में वह बदमाशों का निशाना था। रॉड्रिगेज को हमेशा से ही स्पेशल इफेक्ट से प्यार रहा है, जैसा कि उनकी वैम्पायर मूवी फ्रॉम डस्क टिल डॉन में है और यहाँ उन्होंने कंप्यूटर जनरल इमेज को चमकीले रंग के सेट के साथ जोड़ा है जो पेंट बॉक्स में दंगा जैसा दिखता है। मूवी के प्रॉप्स में बबल गम से लेकर, जिसे ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, माता पिता की कार तक शामिल है जो पनडुब्बी के रूप में भी काम करती है और एक दृश्य में शानदार कल्पना है जिसमें बच्चे
एक कॉम्बो एयरक्राफ्ट स्पीडबोट पनडुब्बी को एक मोटी मछली के डिजाइन के साथ नियंत्रित करते हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे कैप्टन नीमो ने सपना देखा हो। इतनी आकर्षक और खुशनुमा फिल्म के साथ मैं समाजशास्त्रीय टिप्पणियों का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रॉड्रिगेज ने एक मुख्य धारा की पारिवारिक फिल्म बनाई है, जिसमें अधिकांश नायक भूमिकाएं हिस्पैनिक पात्रों को सौंपी गई हैं। एक बिंदु पर बैंडेरस का चरित्र फ्लूप के टीवी शो पर सभी लैटिनो के बारे में मजाक भी करता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह परेशान करने वाली हिंसा से बचता है, कि पूरी फिल्म एक मजेदार मजाकिया भावना में है और बच्चों द्वारा दिखाए गए स्टंट और कौशल मजेदार लगते हैं, डरावने नहीं। प्रॉप्स, यहाँ तक कि नाव विमान पनडुब्बी भी उनके खिलौनों के विस्तार की तरह दिखते हैं, न कि वयस्कों के आविष्कारों की तरह जिन्हें छोटा कर दिया गया है। स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं। परिवार अक्सर सी स्पॉट रन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान, उत्साहित, खुशनुमा फिल्म है जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। यह एक खजाना है। स्पाई किड्स 2001 की अमेरिकी जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका सह निर्माण, लेखन, संपादन, सह संगीत और निर्देशन रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने किया है। फिल्म में एलेक्सा वेगा, डेरिल सबारा, डैनी ट्रेजो, एंटोनियो बैंडेरस, कार्ला गुगिनो, एलन कमिंग, टेरी हैचर, चीच मारिन, रॉबर्ट पैट्रिक और टोनी शालहोप ने अभिनय किया है। स्पाई किड्स का प्रीमियर 18 मार्च 2001 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिज्नी के कैलिफोर्निया एडवेंचर में हुआ और 30 मार्च को डायमेंशन फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने 35 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 147 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को 28वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग से हार गई। स्पाई किड्स की सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसके 4 सीक्वल रिलीज हुए। स्पाई किड्स 2, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स 2002 में, स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर 2003 में और स्पाई किड्स ऑनल्ड टाइम इन द वर्ल्ड 2011 में। एक पुनर्कल्पित स्पाई किड्स आर्मगेडन 2030 में रिलीज किया गया। कथानक, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज दो बच्चों कार्मेन और जूनी के साथ जासूस हैं, जिन्हें वे अपने जीवन से बचाते हैं ताकि उन्हें अंतर्निहित खतरे से बचाया जा सके। वे सुपर जासूसों के संगठन ओएसएस के लिए कार्यालय सलाहकार का काम करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लापता एजेंटों को खोजने के लिए सक्रिय क्षेत्र कार्य पर वापस बुलाया जाता है। ग्रेगोरियो को संदेह है कि बच्चों के टेलीविजन होस्ट फेगन फ्लूप ने उन्हें अगवा कर लिया है, उन्हें अपने शो में फूगलीज में बदल दिया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे जूनी उत्सुकता से देखती है। बच्चों को उनके चाचा फेलिक्स गम की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। ग्रेगोरियो और इंग्रिड को फलूप के थम थम्स रोबोट, जिनके हाथ पैर और सिर बड़े आकार के अंगूठे जैसे लगते हैं, द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके महल में ले जाया जाता है। माता पिता के पकड़े जाने पर फेलिक्स सतर्क हो जाता है, फेल सेफ को सक्रिय करता है और बच्चों को उनके माता पिता के बारे में सच्चाई बताता है और यह कि वह उनका चाचा नहीं है, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया एक एजेंट है। घर पर निंजा थम थम्स द्वारा हमला किया जाता है और फेलिक्स को पकड़ लिया जाता है।
जबकि बच्चे एक छोटी पनडुब्बी के माध्यम से अकेले भाग जाते हैं, जो ऑटो पायलट पर सेट होती है और एक सुरक्षित घर में पहुंच जाती है। सुरक्षित घर में बच्चे स्वीकार करते हैं कि उनके माता पिता जासूस थे और उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। फलूप के महल के अंदर वह अपनी नवीनतम रचना छोटे बच्चों के आकार के रोबोट श्री लिस्प को पेश करता है। वे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व नेताओं के बच्चों को इन सुपर मजबूत रोबोटों से बदलने की योजना बनाते हैं, लेकिन चूंकि एंड्रॉइड में अभी तक कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए वे अपने नियमित प्रोग्रामिंग के बाहर काम करने में असमर्थ हैं। लिस्प क्रोधित है, उपयोग करने योग्य एंड्रॉइड की मांग करता है। फलूप अपने दूसरे इन कमांड अलेक्जेंडर मिनियन के साथ ग्रेगोरियो और इंग्रिड से थर्ड ब्रेन के बारे में पूछताछ करता है। इंग्रिड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ग्रेगोरियो का दावा है कि उसने सालों पहले मस्तिष्क को नष्ट कर दिया था। फलूप के जाने के बाद ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि थर्ड ब्रेन एक गुप्त ओएसएस प्रोजेक्ट था जिस पर उसने काम किया था, एक एआई ब्रेन जिसमें पूरे ओएसएस के सभी कौशल हैं। इस प्रोजेक्ट को बहुत खतरनाक होने के कारण रद्द कर दिया गया और कई वैज्ञानिकों ने उन दिमागों को नष्ट कर दिया जिन पर वे काम कर रहे थे, लेकिन ग्रेगोरियो ने अंतिम प्रोटोटाइप को नष्ट करने से इनकार कर दिया। सुरक्षित घर में कारमेन और जूनी से ओएसएस एजेंट सुश्री ग्रेडेंक को मिलने आती हैं। कारमेन को विश्वास के प्रतीक के रूप में एक ब्रेसलेट देते हुए वह थर्ड ब्रेन के बारे में पूछती है, लेकिन कारमेन भ्रमित हो जाती है। ग्रेडेंक को घर को ध्वस्त करने का आदेश देता है और भाई बहनों को एहसास होता है कि ग्रेडेंक को एक गद्दार है, जब वे निंजा थम्ब-थम्स को भागने वाली पनडुब्बी को नष्ट करते हुए देखते हैं। ग्रेडेंको के इरादों का पता चलने पर जूनी गलती से थर्ड ब्रेन को उजागर कर देती है और पीछा शुरू हो जाता है। कारमेन को ब्रेन मिल जाता है और वह और जूनी भाग जाती है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि ग्रेडेंको के ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है और वह और जूनी पर उनके रोबोट समकक्षों द्वारा हमला किया जाता है, जो थर्ड ब्रेन चुरा लेते हैं और उड़ जाते हैं। इस बीच महल में वापस ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि मिनियन ओएसएस के लिए काम करता था, लेकिन थर्ड ब्रेन प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ फलॉप अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों के शो को जारी रखना चाहता है। मिनियन की अलग अलग योजनाएं हैं और वह फलॉप को अपने वर्चुअल रूम के अंदर बंद करके उस कक्ष में ले जाता है जहां वह अपनी टेलीविजन सीरीज फिल्माता है। जब कारमेन और जूनी ग्रेगोरियो के अलग हुए, भाई इसाडोर मैचेटे कॉर्टेज उसकी जासूसी दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें उससे अनिच्छुक मदद मिलती है। वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए वे कुछ गियर चुराते हैं और फ्लोप के महल में उड़ान भरने के लिए उसका जासूसी जेट लेते हैं। कुछ दुर्घटनाओं के बाद कारमेन और जूनी महल में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान से बाहर निकल जाते हैं और वे पानी के नीचे के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। जब बच्चे महल में घुसपैठ करते हैं, जूनी फ्लूप को बचाती है, जो उसे और कारमेन को उनके माता पिता को रिहा करने में मदद करता है। साथ में वे मिनियन को फ्लूप की फूगली मशीन में फंसाते हैं और उसे फूगली में बदल देते हैं। लिस्प और ग्रेडेंको का सामना करते हुए परिवार सभी 500 रोबोट बच्चों से घिर जाता है। अचानक मैचे खिड़की से घुस आता है, ग्रेगोरियो के साथ सुलह कर लेता है और परिवार के साथ लड़ने में शामिल हो जाता है। हालांकि आखिरी क्षण में फ्लूप रोबोट को पक्ष बदलने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। 500 अलौकिक रोबोट जल्दी से मिनियन, लिस्प और ग्रेडेंको पर हावी हो जाते हैं। जूनी की सलाह से फ्लूप अपने शो में कारमेन और जूनी के रोबोट संस्करणों को पेश करता है। घर पर कुछ समय बाद कास्ट एलेक्सा वेगा कारमाप का कारडारा एनास्टीक
कार्मेन कॉर्टेज, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज की बेटी। वेगा ने कार्मेन की रोबोट समकक्ष कार्मेनेटा का भी किरदार निभाया है। एडिसन फेयर शिशु कार्मेन कॉर्टेज के रूप में, डेरिल सबारा जूनी कॉर्टेज कार्मेन के छोटे भाई और ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज के बेटे। डेरिल ने जूनी के रोबोट समकक्ष जूनिटो का भी किरदार निभाया है। डैनी ट्रेजो, इसिडोर माचेटे कॉर्टेज एक गैजेट आविष्कारक, जूनी और कार्मेन के चाचा और ग्रेगोरियो के बिछड़े हुए भाई। एंटोनियो बैंडरस, ग्रेगोरियो कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कर्मचारी बन गया तथा जूनी और कार्मेन का पिता बन गया। कार्ला गुगिनो, इंग्रिड कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कार्यकर्ता बन गई। ग्रेगोरियो की पत्नी, जूनी और कार्मेन की मां। एलन कमिंग, फेगन फ्लूप फ्लूप्स फुगलीज के मेजबान। टेरी हैचर, सुश्री ग्रेडेंको एक पूर्व ओएसएस एजेंट, जो अब मिस्टर लिस्प और मिनियन की सहयोगी बन गई है। चीच मारिन, फेलिक्स गम एक ओएसएस एजेंट, जो कार्मेन और जूनी के चाचा होने का ढोंग करता है। रॉबर्ट पैट्रिक, मिस्टर लिस्प एक व्यवसायी। टोनी शालहॉब, अलेक्जेंडर मिनियन फ्लूप के सहायक। इसके अतिरिक्त माइक जज ने डोनागन गिगल्स का किरदार निभाया है। जॉर्ज क्लूनी ने डेवलिन का किरदार निभाया है। कारा स्लैक ने कार्मेन की दोस्त लेटिसिया का किरदार निभाया है। इवान सबारा ने घुसपैठिए जासूस बच्चे का किरदार निभाया है। एंजेला लांजा ने न्यूज़कास्टर का किरदार निभाया है। रिचर्ड लिंकलेटर ने कूल जासूस का किरदार निभाया है। जॉनी रेनो ने एजेंट जॉनी का किरदार निभाया है। गिलर्मो नवारो ने पादरी का किरदार निभाया है और चार्ल्स क्रॉकर ने थंब पीपल का किरदार निभाया है। रॉबर्ट रॉड्रिग्स का पहला परिवार उन्मुख उत्पादन लघु फिल्म बेडहेड 1991 था। एक साल बाद एल मारियाची 1992 की रिलीज के बाद से वह उसी प्रकार की पूर्ण लंबाई वाली पारिवारिक सुविधाएं बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था। वह एक ऐसा उत्पाद चाहते थे जो ऐसा लगे कि इसे एक बच्चे ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। उस प्रकार की फिल्म के लिए उनकी शुरुआती योजना थी कि बच्चों को शुरू में पता न चले कि उनके माता पिता जासूस हैं, जब तक कि उन्हें अपने पकड़े गए माता पिता को बचाना न पड़े। और विली वोंका की किशोर कल्पनाशीलता के साथ एक प्रतिपक्षी, उन्होंने खलनायकों की कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया कि जो आदमी पहले मुख्य खलनायक लगता है वह नायक में बदल जाता है और उसका हास्यपूर्ण सहायक मुख्य खलनायक बन जाता है। टोनी शालहॉब रॉबर्ट रॉड्रिग्स के प्रशंसक और दो बच्चों के पिता के रूप में इस परियोजना में शामिल हुए जो बच्चों की फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह रॉड्रिग्स और उनकी पत्नी एलिजाबेथ एवेलान से मिले और अभिनेता को फिल्म की शैली का अंदाजा लगाने के लिए डिजाइन और एनिमेशन के कॉन्सेप्ट ड्राइंग दिखाए गए। अभिनय करते समय शालहॉब को किताबें पढ़ने और अपने बच्चों के साथ खेलने के अनुभव ने उन्हें रॉड्रिग्स के बच्चों जैसे परिदृश्यों को अपने बच्चों के दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाया। एलिजाबेथ ऑल्सन ने एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मशीनों द्वारा उत्परिवर्तित किए जाने पर अलेक्जेंडर मिनियन से निकलने वाले विकृत सिर को रॉड्रिग्स द्वारा जेल मोल्ड किया गया था और शालहॉब के अनुसार बहुत हल्के थे। स्पाई किड्स के 48 दिनों के अधिकांश फिल्मांकन ऑस्टिन, टेक्सास में हुए, हालांकि कुछ बाहरी दृश्य दक्षिण अमेरिका में किए गए थे। संगीत, फिल्म का स्कोर जॉन डेबनी और डैनी एल्फमैन द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिग्स और मार्सेल रॉड्रिग्स सहित कई अन्य लोगों का योगदान है। एल्फमैन के योगदानों में फ्लॉप सॉन्ग,
क्रूएल वर्ल्ड शामिल है, जिसे कमिंग ने गाया है। लॉस लोबोस ने टिटो पुएंते के गीत ओये कोमो वा अनायोगो डेविड गार्जा और रॉबर्ट रोड्रिग्स द्वारा ओये कोमो स्पाई के रूप में रूपांतरित को कवर किया है। इस गीत को 2002 के एल्मा अवार्ड्स में मोशन पिक्चर साउंडट्रैक में उत्कृष्ट गीत के लिए नामांकित किया गया था। समापन थीम स्पाई किड्स सेव द वर्ल्ड लॉस एंजल्स इंडी पॉप बैंड फोंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। विपणन मार्च 2001 में स्पाई किड्स को लास वेगास के शो वेस्ट में प्रदर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। स्पाई किड्स पहली फिल्म थी जिसे जून 2001 में मीरामैक्स और पॉप सीक्रेट के बीच 2 साल के सौदे के तहत प्रमोट किया गया था। स्पाई किड्स और ब्रिजिट जोन्स डायरी 2001 की सफलताओं की बदौलत यह सौदा सालाना आधार पर शुरू हुआ और 5 फिल्मों के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न थिएटर स्क्रीनिंग और वीडियो रिलीज के लिए टाई इन के रूप में मौजूद रहेगा। स्पाई किड्स के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न अगस्त में फिर से रिलीज के लिए सिनेमा घरों में था, जबकि होम वीडियो पर पॉप सीक्रेट स्पेशल एडिशन जारी किए गए थे, जो पुरस्कार जीतने के लिए संग्रहणीय वस्तुओं और टिकटों के साथ आए थे। टारगेट ने स्पाई किड्स की प्रतियों के खरीदारों को मुफ्त पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न की पेशकश भी की। मीरा मैक्स के पूर्व प्रमोशन कार्यकारी उपाध्यक्ष लोरी सेल ने स्वीकार किया कि पहले 3 स्पाई किड्स के लिए मैकडॉनल्ड्स टाइन्स कंपनी के 3 सर्वश्रेष्ठ थे। विस्तारित संस्करण हटाए गए दृश्य के साथ एक विशेष संस्करण 8 अगस्त 2001 को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। यह कथित तौर पर 3 अन्य फिल्मों के साथ कनाडा में सीमित समय के लिए विशेष रूप से चिह्नित केलोग बॉक्स में भी जारी किया गया था। विशेष संस्करण को डीवीडी पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि निर्देशक की टिप्पणी और साक्षात्कार पहले से ही इसके लिए रिकॉर्ड किए गए थे, हालांकि वह संस्करण फिल्म के ब्लूरे री रिलीज पर उपलब्ध है, जिसे 2 अगस्त 2011 को श्रृंखला की 10वीं वर्षगांठ और 4थी फिल्म के साथ मेल खाने के लिए रिलीज किया गया था। हालांकि टिप्पणी और बाकी हटाए गए दृश्य शामिल नहीं थे। स्वागत बॉक्स ऑफिस स्पाई किड्स 30 मार्च 2001 को 3,104 स्थानों पर सिनेमाघरों में खुली, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में $26.5 मिलियन की कमाई की और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। ब्रिजिट जोन्स की डायरी की दूसरे सप्ताहांत की कमाई से गिरने से पहले इसने 3 हफ्तों तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा किया, जिसे मीरा मैक्स द्वारा भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $112.7 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $35.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई हुई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज पर स्पाई किड्स को 188 समीक्षाओं के आधार पर पिनांडी फसर की स्वीकृति रेटिंग और 7.3/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एक गतिशील और मजेदार फिल्म जो निश्चित रूप से सभी उम्र के बच्चों को रोमांचित करेगी। मेटाक्रिटिक पर सक्रिय आलोचकों के आधार पर इसका भारत औसत स्कोर हनोंडी कहा अनोमलोट में से 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक खजाना कहा। उन्होंने लिखा, स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत दुर्लभ हैं। परिवारों को अक्सर सी स्पॉटरन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान उत्साहित खुशनुमा फिल्म है, जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है, बजाय इसके
कि वह क्या कर सकती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिकला सेल ने लिखा, यह मनोरंजक और आपत्तिजनक नहीं है। बच्चों की फिल्मों में एक दुर्लभ संयोजन जो आमतौर पर दोनों में से कोई भी नहीं होता है, वैरायटी के लिए लोवेनस्टीन ने कहा। एक पूर्ण विकसित फंतासी एक्शन एडवेंचर जो परिवार के महत्व को भी जोरदार तरीके से रेखांकित करता है, स्पाइक किड्स अंडर 12 जनसांख्यिकी में किसी को भी कैद नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, एक लक्ष्य जो कभी कभी चकाचौंध से हासिल होता है। रॉबर्ट रॉड्रिक्स की फिल्म जिसमें दो बच्चे दुनिया को एक पागल प्रतिभा से बचाने के लिए असली जासूस बन जाते हैं, बच्चों की सशक्तिकरण कल्पनाओं को पूरा करती है और वीडियो गेम पर पले बढ़े लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जादू और कूल एफ एक्स पेश करती है। स्पाइक किड्स अपने आविष्कार की खुशी से गदगद है। यह एक शानदार रंगीन असाधारण फिल्म है जिसमें पूरी तरह से मौलिक सेट और दृश्य नौटंकी है और यह बच्चों की फिल्म श्रेणी से बाहर निकलकर मुख्य धारा में आने के लिए काफी स्मार्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखक और निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिगेज इस चीज का सपना देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि उनकी विजुअल इफेक्ट्स टीम ने इसे इतनी शानदार तरीके से फिल्म में पेश किया। फिल्म की शुरुआत एंटोनियो बैंडरस और कार्ला गुगिनो द्वारा ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेस के रूप में की जाती है, जो जासूस हैं, जो कभी दुश्मन थे लेकिन फिर प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके दो अच्छे बच्चे होते हैं, कार्मेन, एलेक्सा वेगा और जूनी डेरिल सबारा। वे जासूसी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन फिर मिनियन टोनी शालूब नामक एक दुष्ट नौकर माता पिता का अपहरण कर लेता है और उन्हें बचाने और दुनिया को रोबोट बच्चों और थंब मॉन्स्टर्स के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी जासूस बच्चों पर आती है। मिनियन शैतानी फेगन फलाउ एलन कमिंग के लिए काम करता है जिसका काम एक किडी शो होस्ट के रूप में दुनिया पर राज करने की उसकी योजना को छुपाना है। समुद्र के किनारे एक काल्पनिक महल में स्थित उसके ऑपरेशन में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो सचमुच अंगूठे हैं, सिर हाथ और पैर के लिए अंगूठे। फलूप शक्तिशाली लोगों के बच्चों की हूबहू रोबोटिक प्रतियां बनाने के लिए क्लोनिंग ऑपरेशन चलाता है। वे एक डरावनी चमक वाली आंखों को छोड़कर मूल की तरह दिखते हैं। उनकी समस्या दिमाग तेज नहीं है। फलूप का जवाब तीसरा दिमाग, जिसे ग्रेगोरियो कॉर्टेज ने जासूसी सेवा छोड़ते समय गुप्त रूप से अपने साथ ले लिया था। मुझे पता है कि यह 8 साल के बच्चों के लिए एक कथानक की तरह लगता है लेकिन रॉड्रिगेज इस विषय पर इस तरह से हमला करता है जैसे कि वह इंडियाना जोन्स को पानी से उड़ा देना चाहता हो और यह फिल्म एक के बाद एक अपमानजनक आविष्कार है। मेरा मानना है कि एक पारिवारिक फिल्म विफल हो जाती है यदि यह माता पिता का मनोरंजन नहीं करती है क्योंकि उन्हें ही टिकट खरीदना पड़ता है। स्पाई किड्स इतनी अंतहीन कल्पनाशील, इतनी उत्साही, अपनी प्रेरणाओं के साथ इतनी असाधारण मजाकिया संवादों से भरी हुई है कि जितनी अधिक आप फिल्मों को पसंद करते हैं उतनी ही अधिक आपको यह फिल्म पसंद आ सकती है। कथानक, अपहरण के बाद बच्चों को अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी है। उनके चाचा फेलिक्स चीच मारिन की थोड़ी मदद और सुश्री ग्रेडेंको टेरी हैचर के मार्गदर्शन के साथ, जो पुराने जासूसी दिनों से उनकी माँ की दोस्त होने का दावा करती हैं। बच्चे एक गुप्त सुरक्षित घर में चले गए हैं जो बाहर की तुलना में अंदर से बहुत अलग है और वे सभी प्रकार की जासूसी चालों का उपयोग करते हैं। कुछ वे समझते हैं, कुछ वे नहीं समझते। जो बात अच्छी है वह यह है कि बच्चे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वे अपने काम को गंभीरता से करते हैं और इस तरह छोटे जूनी को वह आत्मविश्वास मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है। स्कूल में वह बदमाशों का निशाना था। रॉड्रिगेज को हमेशा से ही स्पेशल इफेक्ट से प्यार रहा है, जैसा कि उनकी वैम्पायर मूवी फ्रॉम डस्क टिल डॉन में है
और यहाँ उन्होंने कंप्यूटर जनरल इमेज को चमकीले रंग के सेट के साथ जोड़ा है, जो पेंट बॉक्स में दंगा जैसा दिखता है। मूवी के प्रॉप्स में बबल गम से लेकर, जिसे ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, माता पिता की कार तक शामिल है, जो पनडुब्बी के रूप में भी काम करती है। और एक दृश्य में शानदार कल्पना है, जिसमें बच्चे एक कॉम्बो एयरक्राफ्ट स्पीडबोट पनडुब्बी को एक मोटी मछली के डिजाइन के साथ नियंत्रित करते हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे कैप्टन निमो ने सपना देखा हो। इतनी आकर्षक और खुशनुमा फिल्म के साथ मैं समाजशास्त्रीय टिप्पणियों का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रॉड्रिगेज ने एक मुख्य धारा की पारिवारिक फिल्म बनाई है, जिसमें अधिकांश नायक भूमिकाएं हिस्पैनिक पात्रों को सौंपी गई हैं। एक बिंदु पर बैंडेरस का चरित्र फ्लूप के टीवी शो पर सभी लैटिनो के बारे में मजाक भी करता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह परेशान करने वाली हिंसा से बचता है, कि पूरी फिल्म एक मजेदार मजाकिया भावना में है और बच्चों द्वारा दिखाए गए स्टंट और कौशल मजेदार लगते हैं, डरावने नहीं। प्रॉप्स, यहाँ तक कि नाव विमान पनडुब्बी भी उनके खिलौनों के विस्तार की तरह दिखते हैं, न कि वयस्कों के आविष्कारों की तरह जिन्हें छोटा कर दिया गया है। स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं। परिवार अक्सर सी स्पॉट रन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान, उत्साहित, खुशनुमा फिल्म है, जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है, बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। यह एक खजाना है। स्पाई किड्स 2001 की अमेरिकी जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका सह निर्माण, लेखन, संपादन, सह संगीत और निर्देशन रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने किया है। फिल्म में एलेक्सा वेगा, डेरिल सबारा, डैनी ट्रेजो, एंटोनियो बैंडेरस, कार्ला गुगिनो, एलन कमिंग, टेरी हैचर, चीच मारिन, रॉबर्ट पैट्रिक और टोनी शालहोप ने अभिनय किया है। स्पाई किड्स का प्रीमियर 18 मार्च 2001 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिज्नी के कैलिफोर्निया एडवेंचर में हुआ और 30 मार्च को डायमेंशन फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $35 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 147 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को 28वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग से हार गई। स्पाई किड्स की सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसके 4 सीक्वल रिलीज हुए। स्पाई किड्स 2, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स 2002 में, स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर 2003 में और स्पाई किड्स ऑनल्ड टाइम इन द वर्ल्ड 2011 में। एक पुनर्कल्पित स्पाई किड्स आर्मगेडन 2030 में रिलीज किया गया। कथानक, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज दो बच्चों कार्मेन और जूनी के साथ जासूस हैं, जिन्हें वे अपने जीवन से बचाते हैं ताकि उन्हें अंतर्निहित खतरे से बचाया जा सके। वे सुपर जासूसों के संगठन ओएसएस के लिए कार्यालय सलाहकार का काम करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लापता एजेंटों को खोजने के लिए सक्रिय क्षेत्र कार्य पर वापस बुलाया जाता है। ग्रेगोरियो को संदेह है कि बच्चों के टेलीविजन होस्ट फेगन फ्लूप ने उन्हें अगवा कर लिया है, उन्हें अपने शो में फूगलीज में बदल दिया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे जूनी उत्सुकता से देखती है। बच्चों को उनके चाचा फेलिक्स गम की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। ग्रेगोरियो और इंग्रिड को फलूप के थम थम्स रोबोट, जिनके हाथ पैर और सिर बड़े आकार के अंगूठे जैसे लगते हैं,
द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके महल में ले जाया जाता है। माता पिता के पकड़े जाने पर फेलिक्स सतर्क हो जाता है, फेल सेफ को सक्रिय करता है और बच्चों को उनके माता पिता के बारे में सच्चाई बताता है और यह कि वह उनका चाचा नहीं है बल्कि उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया एक एजेंट है। घर पर निंजा थम्स द्वारा हमला किया जाता है और फेलिक्स को पकड़ लिया जाता है, जबकि बच्चे एक छोटी पनडुब्बी के माध्यम से अकेले भाग जाते हैं जो ऑटो पायलट पर सेट होती है और एक सुरक्षित घर में पहुंच जाती है। सुरक्षित घर में बच्चे स्वीकार करते हैं कि उनके माता पिता जासूस थे और उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। फलूप के महल के अंदर वह अपनी नवीनतम रचना छोटे बच्चों के आकार के रोबोट श्री लिस्प को पेश करता है। वे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व नेताओं के बच्चों को इन सुपर मजबूत रोबोटों से बदलने की योजना बनाते हैं, लेकिन चूंकि एंड्रॉइड में अभी तक कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए वे अपने नियमित प्रोग्रामिंग के बाहर काम करने में असमर्थ हैं। लिस्प क्रोधित है, उपयोग करने योग्य एंड्रॉइड की मांग करता है। फलूप अपने दूसरे इन कमांड अलेक्जेंडर मिनियन के साथ ग्रेगोरियो और इंग्रिड से थर्ड ब्रेन के बारे में पूछताछ करता है। इंग्रिड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ग्रेगोरियो का दावा है कि उसने सालों पहले मस्तिष्क को नष्ट कर दिया था। फ्लूप के जाने के बाद ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि थर्ड ब्रेन एक गुप्त ओएसएस प्रोजेक्ट था जिस पर उसने काम किया था, एक एआई ब्रेन जिसमें पूरे ओएसएस के सभी कौशल हैं। इस प्रोजेक्ट को बहुत खतरनाक होने के कारण रद्द कर दिया गया और कई वैज्ञानिकों ने उन दिमागों को नष्ट कर दिया जिन पर वे काम कर रहे थे, लेकिन ग्रेगोरियो ने अंतिम प्रोटोटाइप को नष्ट करने से इनकार कर दिया। सुरक्षित घर में कारमेन और जूनी से ओएसएस एजेंट सुश्री ग्रेडेंग को मिलने आती हैं। कारमेन को विश्वास के प्रतीक के रूप में एक ब्रेसलेट देते हुए वह थर्ड ब्रेन के बारे में पूछती है, लेकिन कारमेन भ्रमित हो जाती है। ग्रेडेंग को घर को ध्वस्त करने का आदेश देता है और भाई बहनों को एहसास होता है कि ग्रेडेंग को एक गद्दार है जब वे निंजा थम्स को भागने वाली पनडुब्बी को नष्ट करते हुए देखते हैं। ग्रेडेंको के इरादों का पता चलने पर जूनी गलती से थर्ड ब्रेन को उजागर कर देती है और पीछा शुरू हो जाता है। कारमेन को ब्रेन मिल जाता है और वह और जूनी भाग जाती है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि ग्रेडेंको के ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है और वह और जूनी पर उनके रोबोट समकक्षों द्वारा हमला किया जाता है जो थर्ड ब्रेन चुरा लेते हैं और उड़ जाते हैं। इस बीच महल में वापस ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि मिनियन ओएसएस के लिए काम करता था, लेकिन थर्ड ब्रेन प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ फलॉप अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों के शो को जारी रखना चाहता है। मिनियन की अलग अलग योजनाएं हैं और वह फलॉप को अपने वर्चुअल रूम के अंदर बंद करके उस कक्ष में ले जाता है जहां वह अपनी टेलीविजन सीरीज फिल्माता है। जब कारमेन और जूनी ग्रेगोरियो के अलग हुए, भाई इसाडोर मैचेटे कॉर्टेज उसकी जासूसी दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें उससे अनिच्छुक मदद मिलती है। वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए वे कुछ गियर चुराते हैं और फ्लोप के महल में उड़ान भरने के लिए उसका जासूसी जेट लेते हैं। कुछ दुर्घटनाओं के बाद कारमेन और जूनी महल में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान से बाहर निकल जाते हैं और वे पानी के नीचे के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। जब बच्चे महल में घुसपैठ करते हैं, जूनी फ्लूप को बचाती है जो उसे और कारमेन को उनके माता पिता को रिहा करने में मदद करता है। साथ में वे मिनियन को फ्लूप की फूगली मशीन में फंसाते हैं और उसे फुगली में बदल देते हैं। लिस्प और ग्रेडेंको का सामना करते हुए परिवार सभी 500 रोबोट बच्चों से घिर जाता है। अचानक मैचे खिड़की से घुस आता है।
ग्रेगोरियो के साथ सुलह कर लेता है और परिवार के साथ लड़ने में शामिल हो जाता है। हालांकि आखिरी क्षण में फ्लूप रोबोट को पक्ष बदलने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। 500 अलौकिक रोबोट जल्दी से मिनियन, लिस्प और ग्रेडेंको पर हावी हो जाते हैं। जूनी की सलाह से फ्लूप अपने शो में कारमेन और जूनी के रोबोट संस्करणों को पेश करता है। घर पर कुछ समय बाद कास्ट एलेक्सा वेगा, कारमाप का कारडारा आरास्टीका, कारमेन कॉर्टेज, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज की बेटी। वेगा ने कारमेन की रोबोट समकक्ष कारमेनिटा का भी किरदार निभाया है। एडिसन फेयर शिशु कारमेन कॉर्टेज के रूप में, डेरिल सबारा जूनी कॉर्टेज कारमेन के छोटे भाई और ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज के बेटे। डेरिल ने जूनी के रोबोट समकक्ष जूनिटो का भी किरदार निभाया है। डैनी ट्रेजो, इसडोर माचेटे कॉर्टेज, एक गैजेट आविष्कारक, जूनी और कारमेन के चाचा और ग्रेगोरियो के बिछड़े हुए भाई। एंटोनियो बैंडरस, ग्रेगोरियो कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कर्मचारी बन गया तथा जूनी और कारमेन का पिता बन गया। कार्ला गुगिनो, इंग्रिड कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कार्यकर्ता बन गई, ग्रेगोरियो की पत्नी, जूनी और कारमेन की मां। एलन कमिंग, फेगन फ्लूप, फ्लूप्स फुगलीज के मेजबान। टेरी हैचर, सुश्री ग्रेडेंको, एक पूर्व ओएसएस एजेंट, जो अब मिस्टर लिस्प और मिनियन की सहयोगी बन गई है। चीच मारिन, फेलिक्स गम, एक ओएसएस एजेंट, जो कारमेन और जूनी के चाचा होने का ढोंग करता है। रॉबर्ट पैट्रिक, मिस्टर लिस्प, एक व्यवसायी। टोनी शालहॉब, अलेक्जेंडर मिनियन, फ्लूप के सहायक। इसके अतिरिक्त माइक जज ने डोनागन गिगल्स का किरदार निभाया है। जॉर्ज क्लूनी ने डेवलिन का किरदार निभाया है। कारा स्लैक ने कारमेन की दोस्त लेटिसिया का किरदार निभाया है। इवान सबारा ने घुसपैठिए जासूस बच्चे का किरदार निभाया है। एंजेला लांजा ने न्यूज़कास्टर का किरदार निभाया है। रिचर्ड लिंकलेटर ने कूल जासूस का किरदार निभाया है। जॉनी रेनो ने एजेंट जॉनी का किरदार निभाया है। गिलर्मो नवारो ने पादरी का किरदार निभाया है और चार्ल्स क्रॉकर ने थंब पीपल का किरदार निभाया है। रॉबर्ट रॉड्रिग्स का पहला परिवार उन्मुख उत्पादन लघु फिल्म बेडहेड 1991 था। एक साल बाद एल मारियाची 1992 की रिलीज के बाद से वह उसी प्रकार की पूर्ण लंबाई वाली पारिवारिक सुविधाएं बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था। वह एक ऐसा उत्पाद चाहते थे जो ऐसा लगे कि इसे एक बच्चे ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। उस प्रकार की फिल्म के लिए उनकी शुरुआती योजना थी कि बच्चों को शुरू में पता न चले कि उनके माता पिता जासूस हैं, जब तक कि उन्हें अपने पकड़े गए माता पिता को बचाना न पड़े। और विली वोंका की किशोर कल्पनाशीलता के साथ एक प्रतिपक्षी, उन्होंने खलनायकों की कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया कि जो आदमी पहले मुख्य खलनायक लगता है वह नायक में बदल जाता है और उसका हास्यपूर्ण सहायक मुख्य खलनायक बन जाता है। टोनी शालहॉब रॉबर्ट रॉड्रिग्स के प्रशंसक और दो बच्चों के पिता के रूप में इस परियोजना में शामिल हुए जो बच्चों की फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह रॉड्रिग्स और उनकी पत्नी एलिजाबेथ एवेलान से मिले और अभिनेता को फिल्म की शैली का अंदाजा लगाने के लिए डिजाइन और एनिमेशन के कॉन्सेप्ट ड्राइंग दिखाए गए। अभिनय करते समय शालहॉब को किताबें पढ़ने और अपने बच्चों के साथ खेलने के अनुभव ने उन्हें रॉड्रिग्स के बच्चों जैसे परिदृश्यों को अपने बच्चों के दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाया। एलिजाबेथ ऑल्सन ने एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मशीनों द्वारा उत्परिवर्तित किए जाने पर अलेक्जेंडर मिनियन से निकलने वाले विकृत सिर को रॉड्रिग्स द्वारा
जेल मोल्ड किया गया था और शाल हॉप के अनुसार बहुत हल्के थे। स्पाई किड्स के 48 दिनों के अधिकांश फिल्मांकन ऑस्टिन, टेक्सास में हुए, हालांकि कुछ बाहरी दृश्य दक्षिण अमेरिका में किए गए थे। संगीत फिल्म का स्कोर जॉन डेबनी और डैनी एल्फमैन द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिग्स और मार्सेल रॉड्रिग्स सहित कई अन्य लोगों का योगदान है। एल्फमैन के योगदानों में फ्लॉप सॉन्ग क्रूएल वर्ल्ड शामिल है, जिसे कमिंग ने गाया है। लॉस लोबोस ने टिटो पुएंते के गीत ओए कोमो वा अनायोगो डेविड गार्जा और रॉबर्ट रॉड्रिग्स द्वारा ओए कोमो स्पाई के रूप में रूपांतरित को कवर किया है। इस गीत को 2002 के एल्मा अवार्ड्स में मोशन पिक्चर साउंडट्रैक में उत्कृष्ट गीत के लिए नामांकित किया गया था। समापन थीम स्पाई किड्स सेव द वर्ल्ड लॉस एंजल्स इंडी पॉप बैंड फोंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। विपणन मार्च 2001 में स्पाई किड्स को लास वेगास के शो वेस्ट में प्रदर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। स्पाई किड्स पहली फिल्म थी जिसे जून 2001 में मीरामैक्स और पॉप सीक्रेट के बीच 2 साल के सौदे के तहत प्रमोट किया गया था। स्पाई किड्स और ब्रिजिट जोन्स डायरी 2001 की सफलताओं की बदौलत यह सौदा सालाना आधार पर शुरू हुआ और 5 फिल्मों के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न थिएटर स्क्रीनिंग और वीडियो रिलीज के लिए टाई इन के रूप में मौजूद रहेगा। स्पाई किड्स के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न अगस्त में फिर से रिलीज के लिए सिनेमा घरों में था, जबकि होम वीडियो पर पॉप सीक्रेट स्पेशल एडिशन जारी किए गए थे, जो पुरस्कार जीतने के लिए संग्रहणीय वस्तुओं और टिकटों के साथ आए थे। टारगेट ने स्पाई किड्स की प्रतियों के खरीदारों को मुफ्त पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न की पेशकश भी की। मीरा मैक्स के पूर्व प्रमोशन कार्यकारी उपाध्यक्ष लोरी सेल ने स्वीकार किया कि पहले 3 स्पाई किड्स के लिए मैकडॉनल्ड्स टाइंस कंपनी के 3 सर्वश्रेष्ठ थे। विस्तारित संस्करण हटाए गए दृश्य के साथ एक विशेष संस्करण 8 अगस्त 2001 को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। यह कथित तौर पर 3 अन्य फिल्मों के साथ कनाडा में सीमित समय के लिए विशेष रूप से चिह्नित केलोग बॉक्स में भी जारी किया गया था। विशेष संस्करण को डीवीडी पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि निर्देशक की टिप्पणी और साक्षात्कार पहले से ही इसके लिए रिकॉर्ड किए गए थे, हालांकि वह संस्करण फिल्म के ब्लूरे री रिलीज पर उपलब्ध है, जिसे 2 अगस्त 2011 को श्रृंखला की 10वीं वर्षगांठ और 4थी फिल्म के साथ मेल खाने के लिए रिलीज किया गया था। हालांकि टिप्पणी और बाकी हटाए गए दृश्य शामिल नहीं थे। स्वागत बॉक्स ऑफिस स्पाई किड्स 30 मार्च 2001 को 3,104 स्थानों पर सिनेमाघरों में खुली, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में $26.5 मिलियन की कमाई की और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। ब्रिजिट जोन्स की डायरी की दूसरे सप्ताहांत की कमाई से गिरने से पहले इसने 3 हफ्तों तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा किया, जिसे मीरा मैक्स द्वारा भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $112.7 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $35.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई हुई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज पर स्पाई किड्स को 188 समीक्षाओं के आधार पर पिनांडी फसर की स्वीकृति रेटिंग और 7.3/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एक गतिशील और मजेदार फिल्म जो निश्चित रूप से सभी उम्र के बच्चों को रोमांचित करेगी। मेटाक्रिटिक पर सक्रिय आलोचकों के आधार पर इसका भारत औसत स्कोर हनोंडी कहा अनोमलोट में से 71 है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक खजाना कहा। उन्होंने लिखा,
स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत दुर्लभ हैं। परिवारों को अक्सर सी स्पॉटरन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान, उत्साहित, खुशनुमा फिल्म है जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिकला सेल ने लिखा, यह मनोरंजक और आपत्तिजनक नहीं है। बच्चों की फिल्मों में एक दुर्लभ संयोजन जो आमतौर पर दोनों में से कोई भी नहीं होता है, वैरायटी के लिए लोवेनस्टीन ने कहा। एक पूर्ण विकसित फंतासी एक्शन एडवेंचर जो परिवार के महत्व को भी जोरदार तरीके से रेखांकित करता है, स्पाई किड्स अंडर 12 जनसांख्यिकी में किसी को भी कैद नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, एक लक्ष्य जो कभी कभी चकाचौंध से हासिल होता है। रॉबर्ट रॉड्रिक्स की फिल्म जिसमें दो बच्चे दुनिया को एक पागल प्रतिभा से बचाने के लिए असली जासूस बन जाते हैं, बच्चों की सशक्तिकरण कल्पनाओं को पूरा करती है और वीडियो गेम पर पले बढ़े लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जादू और कूल एफ एक्स पेश करती है। स्पाई किड्स अपने आविष्कार की खुशी से गदगद है। यह एक शानदार रंगीन असाधारण फिल्म है जिसमें पूरी तरह से मौलिक सेट और दृश्य नौटंकी है और यह बच्चों की फिल्म श्रेणी से बाहर निकलकर मुख्य धारा में आने के लिए काफी स्मार्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखक और निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिगेज इस चीज का सपना देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि उनकी विजुअल इफेक्ट्स टीम ने इसे इतनी शानदार तरीके से फिल्म में पेश किया। फिल्म की शुरुआत एंटोनियो बैंडरस और कार्ला गुगिनो द्वारा ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेस के रूप में की जाती है, जो जासूस हैं, जो कभी दुश्मन थे लेकिन फिर प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके दो अच्छे बच्चे होते हैं, कार्मेन, एलेक्सा वेगा और जूनी डेरिल सबारा। वे जासूसी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन फिर मिनियन टोनी शालूब नामक एक दुष्ट नौकर माता पिता का अपहरण कर लेता है और उन्हें बचाने और दुनिया को रोबोट बच्चों और थंब मॉन्स्टर्स के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी जासूस बच्चों पर आती है। मिनियन शैतानी फेगन फलाउ एलन कमिंग के लिए काम करता है, जिसका काम एक किडी शो होस्ट के रूप में दुनिया पर राज करने की उसकी योजना को छुपाना है। समुद्र के किनारे एक काल्पनिक महल में स्थित उसके ऑपरेशन में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो सचमुच अंगूठे हैं, सिर, हाथ और पैर के लिए अंगूठे। फलूप शक्तिशाली लोगों के बच्चों की हूबहू रोबोटिक प्रतियां बनाने के लिए क्लोनिंग ऑपरेशन चलाता है। वे एक डरावनी चमक वाली आंखों को छोड़कर मूल की तरह दिखते हैं। उनकी समस्या, दिमाग तेज नहीं है। फलूप का जवाब, तीसरा दिमाग, जिसे ग्रेगोरियो कॉर्टेज ने जासूसी सेवा छोड़ते समय गुप्त रूप से अपने साथ ले लिया था। मुझे पता है कि यह 8 साल के बच्चों के लिए एक कथानक की तरह लगता है, लेकिन रॉड्रिगेज इस विषय पर इस तरह से हमला करता है जैसे कि वह इंडियाना जोन्स को पानी से उड़ा देना चाहता हो, और यह फिल्म एक के बाद एक अपमानजनक आविष्कार है। मेरा मानना है कि एक पारिवारिक फिल्म विफल हो जाती है यदि यह माता पिता का मनोरंजन नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ही टिकट खरीदना पड़ता है। स्पाई किड्स इतनी अंतहीन कल्पनाशील, इतनी उत्साही, अपनी प्रेरणाओं के साथ इतनी असाधारण मजाकिया संवादों से भरी हुई है कि जितनी अधिक आप फिल्मों को पसंद करते हैं उतनी ही अधिक आपको यह फिल्म पसंद आ सकती है। कथानक, अपहरण के बाद बच्चों को अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी है। उनके चाचा फेलिक्स चीच मारिन की थोड़ी मदद और सुश्री ग्रेडेंको टेरी हैचर के मार्गदर्शन के साथ, जो पुराने जासूसी दिनों से उनकी माँ की दोस्त होने का दावा करती है, बच्चे एक गुप्त सुरक्षित घर में चले गए हैं जो बाहर की तुलना में अंदर से बहुत अलग है और वे सभी प्रकार की जासूसी चालों का उपयोग करते हैं।
कुछ वे समझते हैं, कुछ वे नहीं समझते। जो बात अच्छी है वह यह है कि बच्चे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वे अपने काम को गंभीरता से करते हैं और इस तरह छोटे जूनी को वह आत्मविश्वास मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है। स्कूल में वह बदमाशों का निशाना था। रोड्रिगेज को हमेशा से ही स्पेशल इफेक्ट से प्यार रहा है, जैसा कि उनकी वैम्पायर मूवी फ्रॉम डस्क टिल डॉन में है, और यहाँ उन्होंने कंप्यूटर जनरल इमेज को चमकीले रंग के सेट के साथ जोड़ा है जो पेंट बॉक्स में दंगा जैसा दिखता है। मूवी के प्रॉप्स में बबल गम से लेकर, जिसे ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, माता पिता की कार तक शामिल है जो पनडुब्बी के रूप में भी काम करती है, और एक दृश्य में शानदार कल्पना है जिसमें बच्चे एक कॉम्बो एयरक्राफ्ट स्पीडबोट पनडुब्बी को एक मोटी मछली के डिजाइन के साथ नियंत्रित करते हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे कैप्टन नीमो ने सपना देखा हो। इतनी आकर्षक और खुशनुमा फिल्म के साथ मैं समाजशास्त्रीय टिप्पणियों का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोड्रिगेज ने एक मुख्य धारा की पारिवारिक फिल्म बनाई है जिसमें अधिकांश नायक भूमिकाएं हिस्पैनिक पात्रों को सौंपी गई हैं। एक बिंदु पर बैंडेरस का चरित्र फ्लूप के टीवी शो पर सभी लैटिनो के बारे में मजाक भी करता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह परेशान करने वाली हिंसा से बचता है, कि पूरी फिल्म एक मजेदार मजाकिया भावना में है और बच्चों द्वारा दिखाए गए स्टंट और कौशल मजेदार लगते हैं, डरावने नहीं। प्रॉप्स, यहाँ तक कि नाव विमान पनडुब्बी भी उनके खिलौनों के विस्तार की तरह दिखते हैं, न कि वयस्कों के आविष्कारों की तरह जिन्हें छोटा कर दिया गया है। स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं। परिवार अक्सर सी स्पॉट रन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान, उत्साहित, खुशनुमा फिल्म है जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। यह एक खजाना है। स्पाई किड्स 2001 की अमेरिकी जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका सह निर्माण, लेखन, संपादन, सह संगीत और निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिगेज ने किया है। फिल्म में एलेक्सा वेगा, डेरिल सबारा, डैनी ट्रेजो, एंटोनियो बैंडेरस, कार्ला गुगिनो, एलन कमिंग, टेरी हैचर, चीच मारिन, रॉबर्ट पैट्रिक और टोनी शालहोप ने अभिनय किया है। स्पाई किड्स का प्रीमियर 18 मार्च 2001 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिज्नी के कैलिफोर्निया एडवेंचर में हुआ और 30 मार्च को डायमेंशन फिल्म्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $35 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 147 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म को 28वें सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग से हार गई। स्पाई किड्स की सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया जिसके 4 सीक्वल रिलीज हुए, स्पाई किड्स 2, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स 2002 में, स्पाई किड्स 3D, गेम ओवर 2003 में और स्पाई किड्स ऑनल्ड टाइम इन द वर्ल्ड 2011 में। एक पुनर्कल्पित स्पाई किड्स आर्मगेडन 2030 में रिलीज किया गया। कथानक, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज दो बच्चों कार्मेन और जूनी के साथ जासूस हैं, जिन्हें वे अपने जीवन से बचाते हैं ताकि उन्हें अंतर्निहित खतरे से बचाया जा सके। वे सुपर जासूसों के संगठन ओएसएस के लिए कार्यालय सलाहकार का काम करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लापता एजेंटों को खोजने के लिए सक्रिय क्षेत्र कार्य पर वापस बुलाया जाता है।
ग्रेगोरियो को संदेह है कि बच्चों के टेलीविजन होस्ट फेगन फ्लूप ने उन्हें अगवा कर लिया है, उन्हें अपने शो में फूगलीज में बदल दिया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे जूनी उत्सुकता से देखती है। बच्चों को उनके चाचा फेलिक्स गम की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। ग्रेगोरियो और इंग्रिड को फलूप के थम थम्स, रोबोट जिनके हाथ पैर और सिर बड़े आकार के अंगूठे जैसे लगते हैं, द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके महल में ले जाया जाता है। माता पिता के पकड़े जाने पर फेलिक्स सतर्क हो जाता है, फेल सेफ को सक्रिय करता है और बच्चों को उनके माता पिता के बारे में सच्चाई बताता है और यह कि वह उनका चाचा नहीं है बल्कि उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया एक एजेंट है। घर पर निंजा थम थम्स द्वारा हमला किया जाता है और फेलिक्स को पकड़ लिया जाता है, जबकि बच्चे एक छोटी पनडुब्बी के माध्यम से अकेले भाग जाते हैं जो ऑटो पायलट पर सेट होती है और एक सुरक्षित घर में पहुंच जाती है। सुरक्षित घर में बच्चे स्वीकार करते हैं कि उनके माता पिता जासूस थे और उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। फलूप के महल के अंदर वह अपनी नवीनतम रचना छोटे बच्चों के आकार के रोबोट श्री लिस्प को पेश करता है। वे दुनिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व नेताओं के बच्चों को इन सुपर मजबूत रोबोटों से बदलने की योजना बनाते हैं, लेकिन चूंकि एंड्रॉइड में अभी तक कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए वे अपने नियमित प्रोग्रामिंग के बाहर काम करने में असमर्थ हैं। लिस्प क्रोधित है, उपयोग करने योग्य एंड्रॉइड की मांग करता है। फलूप अपने दूसरे इन कमांड अलेक्जेंडर मिनियन के साथ ग्रेगोरियो और इंग्रिड से थर्ड ब्रेन के बारे में पूछताछ करता है। इंग्रिड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ग्रेगोरियो का दावा है कि उसने सालों पहले मस्तिष्क को नष्ट कर दिया था। फ्लूप के जाने के बाद ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि थर्ड ब्रेन एक गुप्त ओएसएस प्रोजेक्ट था जिस पर उसने काम किया था, एक एआई ब्रेन जिसमें पूरे ओएसएस के सभी कौशल हैं। इस प्रोजेक्ट को बहुत खतरनाक होने के कारण रद्द कर दिया गया और कई वैज्ञानिकों ने उन दिमागों को नष्ट कर दिया जिन पर वे काम कर रहे थे, लेकिन ग्रेगोरियो ने अंतिम प्रोटोटाइप को नष्ट करने से इनकार कर दिया। सुरक्षित घर में कारमेन और जूनी से ओएसएस एजेंट सुश्री ग्रेडेंक को मिलने आती हैं। कारमेन को विश्वास के प्रतीक के रूप में एक ब्रेसलेट देते हुए वह थर्ड ब्रेन के बारे में पूछती है, लेकिन कारमेन भ्रमित हो जाती है। ग्रेडेंक को घर को ध्वस्त करने का आदेश देता है और भाई बहनों को एहसास होता है कि ग्रेडेंक को एक गद्दार है जब वे निंजा थम्ब थम्स को भागने वाली पनडुब्बी को नष्ट करते हुए देखते हैं। ग्रेडेंको के इरादों का पता चलने पर जूनी गलती से थर्ड ब्रेन को उजागर कर देती है और पीछा शुरू हो जाता है। कारमेन को ब्रेन मिल जाता है और वह और जूनी भाग जाती है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि ग्रेडेंको के ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है और वह और जूनी पर उनके रोबोट समकक्षों द्वारा हमला किया जाता है जो थर्ड ब्रेन चुरा लेते हैं और उड़ जाते हैं। इस बीच महल में वापस ग्रेगोरियो इंग्रिड को बताता है कि मिनियन ओएसएस के लिए काम करता था, लेकिन थर्ड ब्रेन प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ फलॉप अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों के शो को जारी रखना चाहता है। मिनियन की अलग अलग योजनाएं हैं और वह फलॉप को अपने वर्चुअल रूम के अंदर बंद करके उस कक्ष में ले जाता है जहां वह अपनी टेलीविजन सीरीज फिल्माता है। जब कारमेन और जूनी ग्रेगोरियो के अलग हुए, भाई इसाडोर मैचेटे कॉर्टेज उसकी जासूसी दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें उससे अनिच्छुक मदद मिलती है। वह उनके साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए वे कुछ गियर चुराते हैं और फ्लोप के महल में उड़ान भरने के लिए उसका जासूसी जेट लेते हैं। कुछ दुर्घटनाओं के बाद कारमेन और जूनी महल में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले विमान से बाहर निकल जाते हैं और वे पानी के नीचे के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं।
जब बच्चे महल में घुसपैठ करते हैं, जूनी फ्लूप को बचाती है, जो उसे और कारमेन को उनके माता पिता को रिहा करने में मदद करता है। साथ में वे मिनियन को फ्लूप की फूगली मशीन में फंसाते हैं और उसे फूगली में बदल देते हैं। लिस्प और ग्रैडेंको का सामना करते हुए परिवार सभी 500 रोबोट बच्चों से घिर जाता है। अचानक मैचे खिड़की से घुस आता है, ग्रेगोरियो के साथ सुलह कर लेता है और परिवार के साथ लड़ने में शामिल हो जाता है। हालांकि आखिरी क्षण में फ्लूप रोबोट को पक्ष बदलने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। 500 अलौकिक रोबोट जल्दी से मिनियन, लिस्प और ग्रेडेंको पर हावी हो जाते हैं। जूनी की सलाह से फ्लूप अपने शो में कारमेन और जूनी के रोबोट संस्करणों को पेश करता है। घर पर कुछ समय बाद कास्ट एलेक्सा वेगा, कारमापका कारडारा अनास्टीका, कारमेन कॉर्टेज, ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज की बेटी। वेगा ने कारमेन की रोबोट समकक्ष कारमेनेटा का भी किरदार निभाया है। एडिसन फेयर शिशु कारमेन कॉर्टेज के रूप में, डेरिल सबारा जूनी कॉर्टेज कारमेन के छोटे भाई और ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेज के बेटे। डेरिल ने जूनी के रोबोट समकक्ष जूनिटो का भी किरदार निभाया है। डैनी ट्रेजो इसडोर माचेटे कॉर्टेज एक गैजेट आविष्कारक, जूनी और कारमेन के चाचा और ग्रेगोरियो के बिछड़े हुए भाई। एंटोनियो बैंडरस ग्रेगोरियो कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कर्मचारी बन गया तथा जूनी और कारमेन का पिता बन गया। कार्ला गुगिनो इंग्रिड कॉर्टेज सेवानिवृत्त ओएसएस एजेंट, जो सलाहकार कार्यकर्ता बन गई ग्रेगोरियो की पत्नी, जूनी और कारमेन की मां। एलन कमिंग फेगन फ्लूप फ्लूप्स फुगलीज के मेजबान। टेरी हैचर सुश्री ग्रेडेंको एक पूर्व ओएसएस एजेंट, जो अब मिस्टर लिस्प और मिनियन की सहयोगी बन गई है। चीच मारिन फेलिक्स गम एक ओएसएस एजेंट, जो कारमेन और जूनी के चाचा होने का ढोंग करता है। रॉबर्ट पैट्रिक मिस्टर लिस्प एक व्यवसायी। टोनी शालहॉब अलेक्जेंडर मिनियन फ्लूप के सहायक। इसके अतिरिक्त माइक जज ने डोनागन गिगल्स का किरदार निभाया है। जॉर्ज क्लूनी ने डेवलिन का किरदार निभाया है। कारा स्लैक ने कारमेन की दोस्त लेटिसिया का किरदार निभाया है। इवान सबारा ने घुसपैठिए जासूस बच्चे का किरदार निभाया है। एंजेला लांजा ने न्यूज़कास्टर का किरदार निभाया है। रिचर्ड लिंकलेटर ने कूल जासूस का किरदार निभाया है। जॉनी रेनो ने एजेंट जॉनी का किरदार निभाया है। गिलर्मो नवारो ने पादरी का किरदार निभाया है और चार्ल्स क्रॉकर ने थंब पीपल का किरदार निभाया है। रॉबर्ट रॉड्रिग्स का पहला परिवार उन्मुख उत्पादन लघु फिल्म बेडहेड 1991 था। एक साल बाद एल मारियाची 1992 की रिलीज के बाद से वह उसी प्रकार की पूर्ण लंबाई वाली पारिवारिक सुविधाएं बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था। वह एक ऐसा उत्पाद चाहते थे जो ऐसा लगे कि इसे एक बच्चे ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। उस प्रकार की फिल्म के लिए उनकी शुरुआती योजना थी कि बच्चों को शुरू में पता न चले कि उनके माता पिता जासूस हैं, जब तक कि उन्हें अपने पकड़े गए माता पिता को बचाना न पड़े। और विली वोंका की किशोर कल्पनाशीलता के साथ एक प्रतिपक्षी, उन्होंने खलनायकों की कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया कि जो आदमी पहले मुख्य खलनायक लगता है वह नायक में बदल जाता है और उसका हास्यपूर्ण सहायक मुख्य खलनायक बन जाता है। टोनी शालहॉब रॉबर्ट रॉड्रिग्स के प्रशंसक और दो बच्चों के पिता के रूप में इस परियोजना में शामिल हुए, जो बच्चों की फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वह रॉड्रिग्स और उनकी पत्नी एलिजाबेथ एवेलान से मिले और अभिनेता को फिल्म की शैली का अंदाजा लगाने के लिए डिजाइन और एनिमेशन के कॉन्सेप्ट ड्राइंग दिखाए गए।
अभिनय करते समय शालहॉप को किताबें पढ़ने और अपने बच्चों के साथ खेलने के अनुभव ने उन्हें रॉड्रिक्स के बच्चों जैसे परिदृश्यों को अपने बच्चों के दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाया। एलिजाबेथ ओल्सन ने एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मशीनों द्वारा उत्परिवर्तित किए जाने पर अलेक्जेंडर मिनियन से निकलने वाले विकृत सिर को रॉड्रिक्स द्वारा जेल मोल्ड किया गया था और शालहॉप के अनुसार बहुत हल्के थे। स्पाइक किड्स के 48 दिनों के अधिकांश फिल्मांकन ऑस्टिन, टेक्सास में हुए, हालांकि कुछ बाहरी दृश्य दक्षिण अमेरिका में किए गए थे। संगीत फिल्म का स्कोर जॉन डेबनी और डैनी एल्फमैन द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिग्स और मार्सेल रॉड्रिग्स सहित कई अन्य लोगों का योगदान है। एल्फमैन के योगदानों में फ्लॉप सॉन्ग क्रूएल वर्ल्ड शामिल है, जिसे कमिंग ने गाया है। लॉस लोबोस ने टिटो पुएंते के गीत ओए कोमो वा अनायोगो डेविड गार्जा और रॉबर्ट रॉड्रिग्स द्वारा ओए कोमो स्पाई के रूप में रूपांतरित को कवर किया है। इस गीत को 2002 के एल्मा अवार्ड्स में मोशन पिक्चर साउंडट्रैक में उत्कृष्ट गीत के लिए नामांकित किया गया था। समापन थीम स्पाई किड्स सेव द वर्ल्ड लॉस एंजल्स इंडी पॉप बैंड फोंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। विपणन मार्च 2001 में स्पाई किड्स को लास वेगास के शो वेस्ट में प्रदर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। स्पाई किड्स पहली फिल्म थी जिसे जून 2001 में मीरामैक्स और पॉप सीक्रेट के बीच 2 साल के सौदे के तहत प्रमोट किया गया था। स्पाई किड्स और ब्रिजिट जोन्स डायरी 2001 की सफलताओं की बदौलत यह सौदा सालाना आधार पर शुरू हुआ और 5 फिल्मों के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न थिएटर स्क्रीनिंग और वीडियो रिलीज के लिए टाई इन के रूप में मौजूद रहेगा। स्पाई किड्स के लिए पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न अगस्त में फिर से रिलीज के लिए सिनेमा घरों में था, जबकि होम वीडियो पर पॉप सीक्रेट स्पेशल एडिशन जारी किए गए थे, जो पुरस्कार जीतने के लिए संग्रहणीय वस्तुओं और टिकटों के साथ आए थे। टारगेट ने स्पाई किड्स की प्रतियों के खरीदारों को मुफ्त पॉप सीक्रेट पॉपकॉर्न की पेशकश भी की। मीरा मैक्स के पूर्व प्रमोशन कार्यकारी उपाध्यक्ष लोरी सेल ने स्वीकार किया कि पहले 3 स्पाई किड्स के लिए मैकडॉनल्ड्स टाइंस कंपनी के 3 सर्वश्रेष्ठ थे। विस्तारित संस्करण हटाए गए दृश्य के साथ एक विशेष संस्करण 8 अगस्त 2001 को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। यह कथित तौर पर 3 अन्य फिल्मों के साथ कनाडा में सीमित समय के लिए विशेष रूप से चिह्नित केलोग बॉक्स में भी जारी किया गया था। विशेष संस्करण को डीवीडी पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन यह कभी साकार नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि निर्देशक की टिप्पणी और साक्षात्कार पहले से ही इसके लिए रिकॉर्ड किए गए थे, हालांकि वह संस्करण फिल्म के ब्लूरे री रिलीज पर उपलब्ध है, जिसे 2 अगस्त 2011 को श्रृंखला की 10वीं वर्षगांठ और 4थी फिल्म के साथ मेल खाने के लिए रिलीज किया गया था। हालांकि टिप्पणी और बाकी हटाए गए दृश्य शामिल नहीं थे। स्वागत बॉक्स ऑफिस स्पाई किड्स 30 मार्च 2001 को 3,104 स्थानों पर सिनेमाघरों में खुली, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में $26.5 मिलियन की कमाई की और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। ब्रिजिट जोन्स की डायरी की दूसरे सप्ताहांत की कमाई से गिरने से पहले इसने 3 हफ्तों तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा किया, जिसे मीरा मैक्स द्वारा भी रिलीज किया गया था। फिल्म ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $112.7 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $35.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $109 मिलियन की कमाई हुई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज पर स्पाई किड्स को 188 समीक्षाओं के आधार पर पिनांडी फसर की स्वीकृति रेटिंग और 7.3/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एक गतिशील और मजेदार फिल्म जो निश्चित रूप से सभी उम्र के बच्चों को रोमांचित करेगी।
मेटाक्रिटिक पर सकी आलोचकों के आधार पर इसका भारत औसत स्कोर हनोंडी कहा अनोमलोट में से 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर ए का औसत ग्रेड दिया। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे 4 में से 3.5 स्टार दिए और इसे एक खजाना कहा। उन्होंने लिखा, स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत दुर्लभ हैं। परिवारों को अक्सर सी स्पॉटरन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान, उत्साहित, खुशनुमा फिल्म है जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिकला सेल ने लिखा, यह मनोरंजक और आपत्तिजनक नहीं है। बच्चों की फिल्मों में एक दुर्लभ संयोजन जो आमतौर पर दोनों में से कोई भी नहीं होता है, वैरायटी के लिए लोवेनस्टीन ने कहा। एक पूर्ण विकसित फंतासी एक्शन एडवेंचर जो परिवार के महत्व को भी जोरदार तरीके से रेखांकित करता है, स्पाई किड्स अंडर 12 जनसांख्यिकी में किसी को भी कैद नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, एक लक्ष्य जो कभी कभी चकाचौंध से हासिल होता है। रॉबर्ट रॉड्रिक्स की फिल्म जिसमें दो बच्चे दुनिया को एक पागल प्रतिभा से बचाने के लिए असली जासूस बन जाते हैं, बच्चों की सशक्तिकरण कल्पनाओं को पूरा करती है और वीडियो गेम पर पले बढ़े लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जादू और कूल एफ एक्स पेश करती है। स्पाइक किड्स अपने आविष्कार की खुशी से गदगद है। यह एक शानदार रंगीन असाधारण फिल्म है जिसमें पूरी तरह से मौलिक सेट और दृश्य नौटंकी है और यह बच्चों की फिल्म श्रेणी से बाहर निकलकर मुख्य धारा में आने के लिए काफी स्मार्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखक और निर्देशक रॉबर्ट रॉड्रिगेज इस चीज का सपना देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि उनकी विजुअल इफेक्ट्स टीम ने इसे इतनी शानदार तरीके से फिल्म में पेश किया। फिल्म की शुरुआत एंटोनियो बैंडरस और कार्ला गुगिनो द्वारा ग्रेगोरियो और इंग्रिड कॉर्टेस के रूप में की जाती है, जो जासूस हैं, जो कभी दुश्मन थे लेकिन फिर प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके दो अच्छे बच्चे होते हैं, कार्मेन, एलेक्सा वेगा और जूनी डेरिल सबारा। वे जासूसी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाते हैं लेकिन फिर मिनियन टोनी शालूब नामक एक दुष्ट नौकर माता पिता का अपहरण कर लेता है और उन्हें बचाने और दुनिया को रोबोट बच्चों और थंब मॉन्स्टर्स के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी जासूस बच्चों पर आती है। मिनियन शैतानी फेगन फलाउ एलन कमिंग के लिए काम करता है, जिसका काम एक किडी शो होस्ट के रूप में दुनिया पर राज करने की उसकी योजना को छुपाना है। समुद्र के किनारे एक काल्पनिक महल में स्थित उसके ऑपरेशन में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो सचमुच अंगूठे हैं, सिर, हाथ और पैर के लिए अंगूठे। फलूप शक्तिशाली लोगों के बच्चों की हूबहू रोबोटिक प्रतियां बनाने के लिए क्लोनिंग ऑपरेशन चलाता है। वे एक डरावनी चमक वाली आंखों को छोड़कर मूल की तरह दिखते हैं। उनकी समस्या, दिमाग तेज नहीं है। फलूप का जवाब, तीसरा दिमाग, जिसे ग्रेगोरियो कॉर्टेज ने जासूसी सेवा छोड़ते समय गुप्त रूप से अपने साथ ले लिया था। मुझे पता है कि यह 8 साल के बच्चों के लिए एक कथानक की तरह लगता है, लेकिन रॉड्रिगेज इस विषय पर इस तरह से हमला करता है जैसे कि वह इंडियाना जोन्स को पानी से उड़ा देना चाहता हो, और यह फिल्म एक के बाद एक अपमानजनक आविष्कार है। मेरा मानना है कि एक पारिवारिक फिल्म विफल हो जाती है यदि यह माता पिता का मनोरंजन नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ही टिकट खरीदना पड़ता है। स्पाई किड्स इतनी अंतहीन कल्पनाशील, इतनी उत्साही, अपनी प्रेरणाओं के साथ इतनी असाधारण मजाकिया संवादों से भरी हुई है कि जितनी अधिक आप फिल्मों को पसंद करते हैं उतनी ही अधिक आपको यह फिल्म पसंद आ सकती है। कथानक अपहरण के बाद
बच्चों को अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी है। उनके चाचा फेलिक्स चीच मारिन की थोड़ी मदद और सुश्री ग्रेडेंको टेरी हैचर के मार्गदर्शन के साथ, जो पुराने जासूसी दिनों से उनकी माँ की दोस्त होने का दावा करती है, बच्चे एक गुप्त सुरक्षित घर में चले गए हैं जो बाहर की तुलना में अंदर से बहुत अलग है, और वे सभी प्रकार की जासूसी चालों का उपयोग करते हैं। कुछ वे समझते हैं, कुछ वे नहीं समझते। जो बात अच्छी है वह यह है कि बच्चे बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वे अपने काम को गंभीरता से करते हैं, और इस तरह छोटे जूनी को वह आत्मविश्वास मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है। स्कूल में वह बदमाशों का निशाना था। रोड्रिगेज को हमेशा से ही स्पेशल इफेक्ट से प्यार रहा है, जैसा कि उनकी वैम्पायर मूवी फ्रॉम डस्क टिल डॉन में है, और यहाँ उन्होंने कंप्यूटर जनरल इमेज को चमकीले रंग के सेट के साथ जोड़ा है, जो पेंट बॉक्स में दंगा जैसा दिखता है। मूवी के प्रॉप्स में बबल गम से लेकर, जिसे ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, माता पिता की कार तक शामिल है, जो पनडुब्बी के रूप में भी काम करती है, और एक दृश्य में शानदार कल्पना है जिसमें बच्चे एक कॉम्बो एयरक्राफ्ट स्पीडबोट पनडुब्बी को एक मोटी मछली के डिजाइन के साथ नियंत्रित करते हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे कैप्टन नीमो ने सपना देखा हो। इतनी आकर्षक और खुशनुमा फिल्म के साथ मैं समाजशास्त्रीय टिप्पणियों का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोड्रिगेज ने एक मुख्य धारा की पारिवारिक फिल्म बनाई है, जिसमें अधिकांश नायक भूमिकाएं हिस्पैनिक पात्रों को सौंपी गई हैं। एक बिंदु पर बैंडेरस का चरित्र फ्लूप के टीवी शो पर सभी लैटिनो के बारे में मजाक भी करता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह परेशान करने वाली हिंसा से बचता है, कि पूरी फिल्म एक मजेदार मजाकिया भावना में है, और बच्चों द्वारा दिखाए गए स्टंट और कौशल मजेदार लगते हैं, डरावने नहीं। प्रॉप्स, यहाँ तक कि नाव विमान पनडुब्बी भी उनके खिलौनों के विस्तार की तरह दिखते हैं, न कि वयस्कों के आविष्कारों की तरह जिन्हें छोटा कर दिया गया है। स्पाई किड्स जैसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं। परिवार अक्सर सी स्पॉट रन जैसी बकवास और मूर्खतापूर्ण फिल्में देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसी फिल्में जो अश्लीलता को एक मूल्य के रूप में सिखाती हैं। स्पाई किड्स एक बुद्धिमान उत्साहित खुशनुमा फिल्म है, जो शर्मिंदगी की कॉमेडी के बारे में नहीं है, जिसमें कोई भी कुत्ते के मल में लौटता हुआ नहीं है, जो यह पता लगाना चाहती है कि वह क्या हासिल कर सकती है, बजाय इसके कि वह क्या कर सकती है। यह एक खजाना है,